देखिए तकरीबन 21 ज्वाइन किए है 21 फरवरी 2021 को। उसके एक दो महीने पहले से मेरे संपर्क में आए और मेरे घर गए थे, मुझसे अपनी इच्छा जाहिर किया था कि मैं समाजवादी पार्टी ज्वाइन करना चाहता हूं, मुझे राष्ट्रीय अध्यक्ष से मिलवा दीजिए। तो मैंने कहा कि प्रयास करूंगा, मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष से मिलवाऊंगा और लेके गया इनको लखनऊ। वहां पर राष्ट्रीय अध्यक्ष से बातचीत हुई, राष्ट्रीय अध्यक्ष ने इनको समय दिया और समय मिला उनको 20 फरवरी 2021 को। और ये गए वहां पर, राष्ट्रीय अध्यक्ष से मुलाकात किए, राष्ट्रीय अध्यक्ष ने उनको बधाई दिया और मंच पर बैठाया। राष्ट्रीय अध्यक्ष को एक चांदी के मुकुट और राधा कृष्ण की मूर्ति उनको सुपुर्द किया और उसके बाद उन्होंने कहा, टिकट की बात कही तो उन्होंने कहा चलो समझेंगे, मेहनत करो। और टिकट लड़ना चाहते थे फाफा मऊ विधानसभा से, इसलिए उनका जन्मभूमि वही है, वहाँ जनाधार था, वहाँ मजबूत थे, इसलिए वो लड़ना चाहते थे। और मिलाने के बाद मैं बराबर लखनऊ आया जाया करता था, राष्ट्रीय अध्यक्ष से मुलाकात करते थे। राष्ट्रीय अध्यक्ष कभी राष्ट्रीय अध्यक्ष से नहीं कहा कि हमको टिकट दीजिए, लेकिन राष्ट्रीय अध्यक्ष भाई देव भाई शकल से पहचानते थे, जानते थे। और आयन वक्त पे पता नहीं किस कारण से टिकट कट गया, इसको मुझे जानकारी नहीं। अच्छा पापा मऊ भी जो सुन रहे थे, अगल बगल भी पश्चिमी में रहे, इनका घर है पश्चिमी में, पूरा कारोबार है, फिर बगल कौशाम्बी में जिला पंचायत सदस्य भी रहे। पापा मऊ जो मैंने देखा है कि काफी तादाद में जनता इनके साथ थी और सारी जनता, हर जात के लोग, चाहे जिस कौम के लोग रहे हों, सारे लोग कह रहे थे कि आप यहाँ से लड़िए, हम आपको जितवाएंगे। वहाँ कोई जात पात का मामला नहीं है, भेदभाव नहीं जात पात का, वहाँ हर बिरादरी के लोग, 80 से लेकर बैकवर्ड और फॉरवर्ड तक सभी लोग इनके साथ चलते थे। यहाँ तक कि जब इनका जुलूस उलूस निकलता था तो सारे लोग, ऐसा लगता था कि जैसे कोई मिनिस्टर जा रहा है, इस तरह से जुलूस निकालते थे, जनता इनके साथ। रामवृक्ष यादव एमएलसी साहब कर रहे थे, डॉक्टर राजपाल कश्यप भी कर रहे थे। अच्छा ये वर्तमान समय में वो किस पार्टी में रहे? कुछ लोग बीजेपी में कह रहे हैं, आप पापा में दावा कर रहे हैं, तो जो मौजूदा समय में आज की डेट में अगर कहा जाए तो इस पार्टी किस पार्टी में? आज की डेट में तो भारतीय जनता पार्टी में थे। अब तो भारतीय जनता पार्टी में जो चुनाव आया है, चुनाव टिकट नहीं मिला तो उन्होंने पार्टी छोड़ दिया, समाजवादी पार्टी, और भाजपा ज्वाइन कर लिया। अच्छा ये आरोप और लग रहा है कि 20 लाख रुपए टिकट के लिए, ये बिल्कुल फर्जी बात है, बिल्कुल फर्जी बात है। हमारी पार्टी में किसी नेता से डोनेशन नहीं लेता, पैसा नहीं लिया जाता। हमारी पार्टी के लोग, हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने चुनाव लड़ने के लिए जो सहयोग हो सकता है वो करते हैं, किसी नेता से ये कोई कह नहीं सकता कि नेताजी ने कुछ पैसा लिया है, घूस लिया है, बिचौलिए खा गए पैसा, बिचौलिए खाए। इसको इस विषय में मुझे जानकारी नहीं है, बिचौलिए कौन खाया कौन नहीं खाया मैं नहीं जानता। आप बहुत नजदीक रहे हैं, बहुत नजदीक रहे, तो कभी आपसे इस बात को शेयर किया हूं? नहीं कभी नहीं, हमने चर्चा भी किया, किसी को दिए तो नहीं, कहीं कभी नहीं, मैंने किसी को पैसा नहीं दिया। अपना परिचय बताइए। राम सुबेर पाल, जिला उपाध्यक्ष समाजवादी पार्टी इलाहाबाद।